बॉय हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। खाओ खाओ। ये प्रिंस हमारा टैटू का काम छोड़ के माला बना रहे हैं। बेरोजगारी भाई साहब, बेरोजगारी। यहाँ पे सुकून बहुत। जितने भी लोग डिप्रेशन के शिकार हो, एक बार यहाँ पे राउंड लगा लो, पूरे ठंडा हो जाए। डिंपल कहाँ से हो तुम? नागपुर। क्या करते हो? समझी गया। हाँ, सर्वना भवन। मार्च, सभी की तरह हम लोगों ने भी होली मनाई, काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया। लेकिन मार्च मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा महीना नहीं था, क्योंकि ठीक होली के 8 दिन बाद मेरे पापा जी की डेथ हो गई थी और समझ नहीं आया क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। उसी वक्त अट्ठारह मार्च की शाम को हम लोग फिर पापा को लेके झांसी से वाराणसी गए। वाराणसी में हम लोग का गांव है द्वारजून, वहाँ पे गए अंतिम संस्कार के लिए। और फिर चार दिन बाद सबको पता है क्या हुआ था, लॉकडाउन। ठीक 4 या 5 दिन के बाद, पिताजी के जाने के बाद वहाँ पे लॉकडाउन लग गया। जब हम लोग झांसी आने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले ही लॉकडाउन लग गया, तो हम लोग गांव में फंस गए थे। फिर मार्च गया, अप्रैल आया। अप्रैल में हमारी फैमिली में एक और डेथ हुई, उसी घर में जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे। देन थोड़ा सा मूड सही हुआ तो फिर कैमरा उठाया। घर वालों ने कहा कि थोड़ा सही हो जाओ, नॉर्मल हो जाओ। तो उसके बाद हमने थोड़ा खेती वेती देखी गांव में। जब लॉकडाउन लगा ही है तो फिर कुछ काम ही किया जाए। वहां पे हमने खेती देखी। नहीं नहीं, तू आगे चला, तेरे हाथ पैर तो हैं लंबे लंबे। तू आज साइकिल चला, तू चला के दिखा। और तू ब्लॉग में आएगी, चला तू। अबे क्या कर रही तू? अबे इससे अच्छा तू पैदल धड़का ले उसे। अरे यार क्या कर रही है? उल्टा खोला, मच्छरदानी खोलने की कोशिश। रास्ते पे कैटवॉक करके चलना पड़ेगा। दोनों तरफ पानी। खेती करने के बाद ये हाल पैरों का। हम लोग खागा के पेट्रोल पंप पे पहुँचे, मतलब खागा क्रॉस कर चुके हैं। देखते हैं 1:30 बजे तक झांसी पहुँच जाएंगे। दिन में 11 बजे आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम गीत गाता चल। रात के 1 बजे बिग बॉस के घर में आपका स्वागत है। ईशु ने सारा सामान निकाल के रख दिया है, एक अच्छी बाई की तरह। बाई? परनीति चोपड़ा याद है? वो वाली बाई की तरह।
ए भाई ये तो भाई तेरे काम में सामान रखने का दिख रहा है, दो महीने का लॉकडाउन असर दिख रहा है, घर छोड़े ब्रश नहीं करी बिना ब्रश के खा लिया से रात के 2 बज रहे हैं तो फिर भी 12 बजे के बाद ब्रश करना चाहिए। हां यार ब्रश कर ले, कृपया ज्ञान किसी और को दें। रात के 2 बजे आंधी तूफान का आगमन। घर तो पूरा गंदा हो चुका है। It's working. तो इसको लेके जाने का है कपड़ा चेंज करवाने। Yes. Yes. इसमें मग वग है होगा शायद। ये इसको डालने। चेक करते इसके अंदर क्या है। इसके अंदर भी डब्बा है। ओह डब्बे में डब्बा। I like डब्बा। डब्बे में फोन। ओह ये तो मेरा फोन है। आ रही है कौन सी आ रही। हाँ वो फोन आ गया। ये तो 3 को आने वाला था। सरप्राइज। तो अपना निकलने का समय हो गया है हॉस्पिटल से। अब देखते हैं कहाँ जाना है, रेस्टोरेंट वगैरह ढूंढा जाए। बहुत टाइम हो गया है, 12 बजे के आए हुए हैं, 12:01 के 5:30 हो गया। YouTube पे जाए, सब जाएगा YouTube पे मेरे भाई, सब जाएंगे, सबसे ज्यादा ये जाएगा। अब तो सीरियस हो गया। क्यों ठंड लग रही तेरे को, जैकेट वैकेट पहने। इंटरसेप्टर को धक्का लगा दे विशाल सिंह, कैमरामैन दीपक कुमार के साथ झांसी न्यूज। सीरियसली आधार कार्ड करेक्शन करवाना भी बहुत रिस्की है। अगर यहाँ पे किसी एक को भी कोरोना निकल आया तो समझ सकते हो क्या हो सकता है। तू बोल पहले शुरू से। अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं हेमंत चौधरी, मेरा पुत्र अल्लाह। मैं तो जगह जीते थे मैं फल्ला बोलता नहीं। माइक इधर। ड्राइवर सर्विस से हम लोग इंदौर जा रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो अभी हम लोग सुबह 6 बजे राइट 6 बजे मतलब 6 बजे अभी 10 मिनट बचे हैं हम लोग पहुंच गए इंदौर। ऑलराइट गाइस अभी बज रहे हैं 4। हम लोग अभी गाड़ी छोड़ के आ गए थे एक्चुअली सर्विस पे, क्योंकि हम लोग को नहाना भी था और खाना भी खाना था, तो खाना खाने में इतना टाइम लग गया और 4 बज गए। तो यहाँ से हम लोगों ने ऑर्डर किया है एग बेंजो 30 रुपीज़ का। अपने को आईना दिखा आप सामने
अरे मैं मतलब एकदम वहाँ पे नहीं, अभी वहाँ पहुँचने वाला हूँ थोड़ी देर में। हाँ तो हम रास्ता पहचान जाएंगे, हम पक्के इंदौर ही हैं दीपक भैया। अच्छा चलो एक काम करो, वीडियो कॉल करो। कितने दिनों बाद मिल रहा है अपन? 2 साल ऑलमोस्ट। okay, 2 साल बहुत बढ़िया। वो मैंने बोला था सरप्राइज, सरप्राइज ये है कि हम लोग निकल रहे हैं लॉन्ग राइड पर। एक्टिवा पे लॉन्ग राइड हो रही है वैसे, पॉल्यूशन चेक कर रहे हैं। तक सिर्फ मूवीज और बुक्स में देखा था, जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। दूसरा स्टॉप इंदौर से जब से निकले हैं तब से हम लोगों ने दूसरा स्टॉप किया है यहाँ पे, एक और चाय पियेंगे। चाय पियेंगे ना, चाय पियेंगे, चाय बहुत जरूरी है। आकाश खरे तेरे नाम की चिप्स। बस यही होना बाकी रह गया था। हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि जहाँ पे पंचर हुआ उसके सामने ही दुकान थी, और दुकान वाले ने एक सैड न्यूज़ दे दिया, टायर ख़राब हो चुका है, मतलब ट्यूब ख़राब हो चुका है, अब ट्यूब चेंज करवाना पड़ेगा। अब देखते हैं ट्यूब कितने का आता है, फिर चेंज करवाते हैं, उसके बाद निकलते हैं। हम अपनी डेस्टिनेशन से अब सिर्फ 200 किलोमीटर दूर हैं। को 8 बजे झांसी पहुंच गए थे सेफ एंड साउंड, क्योंकि रास्ते में बहुत सारी बारिश भी हुई। आज प्लान है कुछ दोस्तों से मिलने का, स्कूल फ्रेंड्स हैं जो एक्चुअली अभिषेक और जयंत। अभिषेक मेरे को अभी पिक करने आया है, चलो पहले उससे मिलते हैं। हेलो अभिषेक, आ चुका है और हम लोग जा रहे हैं अभी जयंत को उठाने। तो फाइनली हमारे जयंत अमलानी आ चुके हैं, 1 घंटा लेट। नहीं सॉरी, तुझसे आधा घंटा ढाई बजे बोला था, तुमसे निकलने को बोला था, हमने तो 3 ही कही थी। भाई बोला होता कि तैयार हो जाओ। अरे तो ना रहे थे उस समय, हम क्या करते, आधे घंटे तो लेट हो ना, आधे घंटे लेट है ना, खाना भी तो आधा घंटा कुछ होता नहीं है क्या है? आधा घंटा कुछ नहीं होता, आधा घंटा क्या होता आजकल किसी के लिए, आधा घंटा कुछ सब फ्री में आराम खोर। अगर लड़की को बोलता वो पहले रेडी हो जाती। क्या लड़की बुला रही थी रेस्टोरेंट, हम गए नहीं। वाह त्याग त्याग किया तुमने भाई, कोरोना चल रहा है, मैं काहे को रेस्टोरेंट जाऊंगा। समझ गया, छोड़, क्षमा किया तेरे को भाई। दिखाई नहीं दे रहा मेरे ड्राइवर को ये गाड़ी कैसे चलाएगा, तो कैमरे को भी दे दो ना, दिखाई नहीं दे रहा है भाई। अगर कम से तो मस्त लॉक बन जाएगा भाई, अभी तो मेरे ड्राइवर को ना कैमरे, भाई कैमरे में देख के चला तू, नेक्स्ट लेवल ब्लॉक बन जाएगा अगर ठुक गए तो। सीधे न्यूज में आ जाओगे, हाँ अपना चैनल अलग ही न्यूज चैनल पर चल रहा होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोगों ने अभी प्रसाद ले लिया है और इसका नाम एक्चुअली दीक्षांत है। इसका भी YouTube चैनल है, अभी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अंदर जाना भी, मतलब अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो हम लोग, अफसोस की बात है कि हम लोग को बाहर यहीं पर रोकना पड़ेगा। अब मंदिर के अंदर जाने से पहले आपको यहाँ पे सांप सीढ़ी खेलना पड़ेगा, इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, क्योंकि जब कोरोना वायरस आया तो उन्होंने काम बढ़ा दिया। और मंदिर के अंदर जाने से पहले आपको इस बॉक्स से गुजरना पड़ेगा। एक्चुअली ये बॉक्स सैनिटाइजेशन मशीन है, पूरा स्प्रे होके आप बाहर निकलेंगे।
चौक्स, बहुत अच्छे अच्छे स्टैचूज, और ये मेरा भोलेनाथ। और यही वो मंदिर है जो राम जी के लिए बनाया गया था, एक्चुअल मंदिर वो यही है। मैं आए हुए थे भाई के सब्सक्राइबर मिले हुए। भाई क्या नाम है आपका? सुमित। तो आप यही ओरछा में रहते हो? हाँ। ओरछा में मतलब किस तरफ रहते हो आप? जैसे तो दुनिया जो उसके अलावा दुकान पर भी, दुकान पे भी और साथ में प्राइवेट जॉब भी करते हो? हाँ। चलो बहुत अच्छी बात है। तो हमारे विचित्र से प्राणी आ चुके हैं, विचित्र से प्राणी का नाम है गूगल। हम लोग आगे रास्ते पहुंच चुके हैं और अभी रुक गए हैं थोड़ा। रास्ता बदल, रास्ता तो भूल ही गए थे, जाना कहाँ है। दो रास्ता है एक्चुअली यहाँ पे, वो भी माता टीला जाता है, ये भी माता टीला जाता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि हमारे पास ना तो GoPro है ना इंस्टा 360, इसलिए हमें फोटो ब्लॉग करने में थोड़ी दिक्कत होती है। सारा का सारा शूट हम लोग फ़ोन से ही करते हैं, तो अगर कोई दिक्कत हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। और कोई अगर अमीर इंसान मेरा व्लॉग देख रहा हो तो को गिफ्ट कर सकता है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। थोड़ा आता है काम कभी कभी। पार्क के फाउंटेन तो अभी रुके हुए हैं, शायद रात में चले, लेकिन देखने से लग तो नहीं रहा कि रात में भी चलते होंगे। एक्चुअली ये सारे गेट खुले रहते थे पहले, अगस्त के टाइम पे जब बारिश होती है पानी ज़्यादा ओवरफ्लो होता है तो ये पूरे गेट खुले रहते हैं और यहाँ पूरा पानी भरा रहता है। के साथ साथ मैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और स्नैपचैट पर भी अवेलेबल हूँ, इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो हो सके तो वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। से वापस आते टाइम एक मंदिर पड़ता है, श्री हजारिया महादेव। तो क्या लगता है आपको, क्या बोल रहा हूँ मैं नंदी जी से, एनी आइडिया? ये जो जिम है एक्चुअली मेरे दोस्त का है, दोस्त का नाम है तिलक। बाद अपन आ चुके हेमंत के घर पे और हेमंत के घर पे एक छोटा सा शूट है, दिखाता हूँ। आज फाइनली हम लोग आए हैं कॉफी पीने। ओह जिम, हाँ। और भाई ये बंद क्यों है? आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस रिवाइंड ब्लॉग। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना और लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना। आज है 31 दिसंबर, इस साल का आखिरी दिन और इस साल का मेरा लास्ट ब्लॉग। तो मैं दीपक कुमार और सोना ग्रुप लेते हैं आपसे विदा। बाय बाय।